Evening everyone, this is Mayank from Grow Your Paisa. So Union Mutual Fund एक नया NFO लेके आ रहा है जिसका नाम है Union Innovation and Opportunities Fund. यह फंड 16 अगस्त से आपका लॉन्च हो रहा है और दो हफ्ते चलेगा और उसके बाद इसमें आप जब दो हफ्ते के बाद फिर से भी आप इसकी फिर से रीसब्सक्राइब के लिए अवेलेबल हो जाएगा. जैसे कि इसके नाम से कहते हैं आपको काफ़ी तरह आइडिया हो जाएगा. ये फंड या ये स्कीम उस तरह के स्टॉक में से लगाएगी जो कि इनोवेशन थीम में काम करती है. इनोवेशन का एज ए टर्म आजकल काफ़ी ज़्यादा उपयोग में है. हम देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसप्शन आ रही है. फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर फॉसिल फ्यूल से हम लोग जा रहे हैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ. फूड डिलीवरी में हम लोगों ने देखा है कि जोमेटो ने काफ़ी बड़ा एक सेंध मारा. ऐसे ग्रॉसरी डिलीवरी के अंदर आजकल बहुत सी कंपनियाँ एंटर कर चुकी हैं. पावर के अंदर जो है अब हम लोग को कोल से हटके जो है वी आर गोइंग टूवर्ड्स आपका विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो. तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है और इस वाले पूरे फेज में काफ़ी सी कंपनियाँ जो कि नई उभर के आ रही हैं. तो ये फंड जो है उस तरह की कंपनियों को स्टार्टिंग में पकड़ना चाहता है और ताकि आने टाइम में जब वो बड़ा कंपनी बने तो उनके शेयर प्राइस जैसे 10-12-15 गुना होंगे तो स्कीम को भी वहाँ से उनके निवेशकों को भी उससे फ़ायदा होगा. मगर यह भी देखा गया है कि इस तरह की स्कीम्स के अंदर फेलियर रेट भी काफ़ी हाई होता है. तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको हाई रिस्क और हाई गेन दोनों हैं. ये कोई नॉर्मल लार्ज कैप बेस स्कीम नहीं है जहाँ पे आपने SIP खोल दी और आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल गई. हो सकता है इसके अंदर आपका ये फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और हो सकता है ये आपके मन मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाए. तो ये निवेशकों को जाकर ध्यान रखना है. अब आइए थोड़ा स्कीम के बारे में जानते हैं. तो इनका स्ट्रैटेजी बेसिकली वही है कि इन लोगों के अपने एक यूनिवर्स इन्होंने जितना बनाया पूरा स्टॉक्स का उसके अंदर तकरीबन 150 से 200 स्टॉक्स होंगे. उनमें से ये इनोवेशन वाली थीम में बेसिकली 70 से 90 स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनमें से फिर उसमें अपना कुछ और कमेटी बैठ के फैसला करके फिर 50-60 स्टॉक में पैसा लगाएगी. उनके इस समय यूनिवर्स के अंदर कंज्यूमर डिस्टिनेशनरी के अंदर भी 35 स्टॉक हैं, इंडस्ट्रियल में भी 31 स्टॉक हैं. उनका पूरा यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है. इन दी एंड इट इज़ डजेंट मैटर, इवेंचुअली इसमें चर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगी. इसलिए अभी ये देख के हम सही सोचें कि यही आपका कॉम्पिटिशन रहेगा, ऐसा नहीं है. ये स्पेसिफिकली इसमें बताया ये स्कीम जो है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये इस चीज़ का काफ़ी क्लियरिटी है कि इसमें आप काफ़ी अच्छा भी प्रदर्शन कर सकते हो और काफ़ी ना भी अच्छा करें. और दूसरा ये जो है ये काफ़ी हद तक जो है हाई रिस्क एपेटाइट वाला स्कीम है. अगर आपको थोड़ा सेफ चलना है तो आपके लिए स्कीम नहीं है. अगर आप जानते हैं कि हाँ इस स्कीम में पैसा लगाने से शायद मेरा पैसा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं. बाकी स्कीम अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करेगी एज पर देम, बट अगेन इट इज़ नॉट गारंटेड. सो विद दिस जस्ट टू से थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक. बाय.